नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिपलो थाना अंतर्गत आने वाले अंबापाट में मधुमक्खियों के हमले से करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 की मदद से पंधाना विधायक छाया मोरे ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां घायलों ने बताया कि यह सभी लोग आज गणगौर माता का विसर्जन करने भवन घाट नदी पर गए थे, तभी मधुमक्खियों ने इन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सहित करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को गंभीर अवस्था में इंदौर भी रेफर किया गया है। कई लोगों को आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। कई लोगों को खंडवा जिला अस्पताल भी रेफर किया गया है, जहां घायलों ने बताया कि यह सभी लोग अंबापाट गांव के रहने वाले हैं। यह सभी आज गणगौर माता का विसर्जन करने गए थे, तभी इनके ऊपर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, तभी ये अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। मधुमक्खियों के हमले में बच्चे ज्यादा से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी इस हमले में घायल हुए, महिलाएं, बुजुर्ग सहित कई लोग घायल हुए, जिन्हें 108 की मदद से पंधाना विधायक छाया मोरे ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसी को लेकर घायलों ने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। पंधाना विधायक छाया मोरे ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते है। माता जी ठंडी करने गए थे, कहाँ पे गए थे? नदी पे। कौन सी नदी, कहाँ पे? अम्बापाट। नदी कौन सी? नदी भांब। भांब क्या है वहाँ पे? बस हमने नीचे रखे रखे की बस वो छुटी गई, तब फिर लोग भगे। कितने क्या लोग घायल हुए? अरे तो गंज हो गए। अभी यहाँ पे कितने लोग लाए? क्या हुआ था पूरा बताओ। अंबापाट के हैं, गणगौर उत्सव नदी पे ले जा रहे थे, तो वहाँ पे जाके मधुमक्खी नदी पे मधुमक्खी कैसे, क्या हुआ था मधुमक्खी गिनती कैसे? पहले से बस वहाँ पे जाके पहुंचे ही और एक दो शुरू हो गई थी एकदम से। तो क्या सब भागे वहाँ से? वहाँ से फिर भागे। कितने क्या लोग घायल हुए? गांव के अधिकतर लोग सभी। अंबापाट क्या हुआ था पूरा बताओ। आज माता जी विसर्जन करने गए थे गणगौर माता। अच्छा। सारी जनता बहुत ही रस्मत उतारे, पूजा पाठ करके विसर्जन करना था और मक्खियाँ आने लगी। मक्खियाँ आकर के बहुत लोगों को काटी है। क्या करते हो हमारे को तो अभी हम तो दूरी की तारीख तो पहले दूरी ले गया। मेरे को लड़का था वहाँ। कौन से घाट गए थे तुम लोग विसर्जन करने? भवन घाट है, भाव नदी का। कहाँ पे पड़ता है? ये गांव के पास में ही है, अंबापाट से 1 किलोमीटर। कौन सा थाना लगता तुम लोग? पिपलो थाना। क्या हुआ था पूरा बताओ। माता जी विसर्जन करने को गए थे तो वो मक्खियाँ काटी। क्या हुआ था आज? मोहन ने काटा भैया। क्या करने गए थे तुम लोग? माता ठंडी करने गए थे। फिर क्या हुआ? महल टूट पड़ी। तो तुम भागे वहाँ से, जान बचा के? जान बचा। माथों में, मुंह में, हाथ में। कितने क्या लोग घायल हुए होंगे वहाँ पे? वहाँ हो गए होंगे 100 लोग से ज्यादा।
ये नदी भवन भवन घाट पे ये हमला किया हुआ है। जैसे ही माता जी के रथ उतारे तो घटना स्थल पे बिल्कुल भागा दौड़ी चालू हो गई वहां से। और जैसे ही अस्पताल कुछ राजगढ़ गए हैं, कई गुड़ी गए हैं, कई बलवाड़ा गए हैं और बाकी खंडवा एडमिट हुए हैं, तो खंडवा उपस्थित में हमारे विधायक जी तुरंत तत्काल हमारी सेवाओं में उपस्थित हो गए। कैसे क्या हुआ? करीब 6 बजे की घटना है, 6 बजे की। तो जैसे भी रथ हमने उतारे, माता जी के उसको पानी पिलाने की कोशिश में थे और मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। ये करीब 400-450 लोग घायल, बच्चों तबाद छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसमें सभी बुजुर्ग भी थे, माता बहने सब थी। तो काफी कहीं किधर भगा है, कोई किधर भगा है। विधायक जी आज आपको लेके आए तो क्या कहेंगे? विधायक जी आज हमको बड़े बहुत अच्छे स्वभाव से हमारा इलाज करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी विधायक जी के पास हमारा फोन था, जैसे ही तुरंत तत्काल हमारी सेवा में उपस्थित आ गए अस्पताल। कहाँ की घटना? ये अम्बापाट की है, कुछ लोग थाना लगता है। ये करीब 6-6:15 बजे की बात है। हमारे सिंगोर पिपलोट थाने और अपने सिंगोर गोली मंडल में आता है ये अम्बापाट गांव। मुझे जैसे ही मधुमक्खिया ने काटा वैसे ही मेरे पास फोन आया हमारे कार्यकर्ताओं का, और उन्होंने कहा कि दीदी का 100-150 लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको बोले मधुमक्खी ने काटा है। तुरंत मैंने सीएमएचओ साहब को फोन लगाया और साथ में एसडीएम साहब को भी फोन लगाया कि आप जल्द से जल्द वहां पर अपने डॉक्टर की टीम को वहां पर भेजें और जो ज्यादा सीरियस है उनको एम्बुलेंस से खंडवा लाया जाए ताकि उनका इलाज समय पर हो जाए। तो वैसे ही वहां पर डॉक्टर की टीम गई थी, कुछ लोगों को पिपलोद में एडमिट किया है, कुछ लोगों को गुड़ी में किया है, कुछ लोगों को सिंगोट में किया है, और जो वहाँ इलाज हो सकता था उनका वहाँ पर भी इलाज किया, और जो ज्यादा गंभीर थे उन लोगों को यहाँ पर हमारे खंडवा हॉस्पिटल में लाया गया है, और 3-4 लोग ज्यादा गंभीर है तो उनको इंदौर रेफर किया गया है। ये लोग क्या कर रहे थे? ये आज गणगौर माता का पर्व जो चल रहा है तो आज माता जी का विसर्जन करने गए थे, और वहीं पर वो बता रहे थे कि कोई भाम नदी का जो है तालाब वाला वहां पर वो विसर्जन करने के लिए गए, और वहां पर एकदम से मतलब पेड़ के ऊपर मधुमक्खी, वो छत्ता था, तो छत्ता पूरा वो हुआ और मधुमक्खी ने सबको काटा है।